गुड मॉर्निंग एंड सलाम अलैकुम। दो दिन पहले एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने अपने सारे पार्टिसिपेंट्स से एक सवाल पूछा। अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़े किसी लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ, नॉट ह्यूमन बीइंग बट एन ऑब्जेक्ट, तो आप अपनी जात की वो सारी खूबियां और पर्सनालिटी की वो जो ट्रेट्स हैं और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको कंपेयर करते हुए कौन सा ऑब्जेक्ट चूज करेंगे जो ऑब्जेक्ट आपके मुताबिक आपको रिफ्लेक्ट करता है या आपकी पर्सनालिटी उस ऑब्जेक्ट की 50, 60, 80% क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करती है। मुश्किल सवाल था, बहुत मुश्किल सवाल। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल मैंने दी, मैंने कहा आप कहते हैं कि मैं पानी हूं, पानी की खसूसियात मुझ में है, जिस बर्तन में पानी को डालें वो वैसा वैसी शक्ल इख्तियार कर लेता, वैसे ढल जाता है। पानी में ऑक्सीजन है, पानी में जिंदगी है, इंसान पीते हैं जिंदा रहते हैं, प्यास बुझती है, फसलों के लिए पानी जिंदगी है, पानी के अंदर बहुत सारी दुनिया के जानदार ऐसी ऐसी मखलूक मौजूद हैं जो पानी के बगैर बाहर नहीं रह सकते, तो ये जिंदगी की अलामत है। तो मैं एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग अपनी फैमिली में क्या लाइफ की निशानदेही करता हूं या रिप्रेजेंट करता हूं जिंदगी की निशानी के तौर पे, जिंदगी की अलामत के तौर पे अपनी फैमिली में जाना जाता हूं कि ये हमारे घर में मौजूद है शख्स, इस वजह से सारी बहार है, इस वजह से लोग फैमिली में खुश है, कनेक्टेड हैं, ऑक्सीजन मिलती है, इसके साथ बैठो तो पॉजिटिविटी आती है। ये जिस भी फैमिली में, जिसके घर में भी प्रॉब्लम होती है जाता है तो वापस जिंदगी वहां आ जाती है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाते हैं। जहां जरूरत होती है ये शख्स पहुंचता है, खुद पहुंचता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, मॉरल सपोर्ट करता है, सोशल सपोर्ट करता है। इस घर में रहने वाले मौजूद लोग सब इसकी वजह से जिंदा है, खुशहाल है और खुशखुर्रम है। एक साहब को मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने कहा आप इमेजिन करें, अगर लेट सपोज कि आप चांद हैं, आप दूसरों की रोशनी लेके रिफ्लेक्ट करते हैं और लोगों तक। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपने आप को चांद से तशबीह दूं तो मैं जैसे हजरत वासिफ अली वासिफ हैं, तो वासिफ साहब की लिखी हुई किताबें पढ़ता हूं, उनसे रोशनी लेता हूं और लोगों तक ये वीडियो के थ्रू अपना पैगाम पहुंचाता हूं। ये एक क्वालिटी रिफ्लेक्ट करती है चांद की क्वालिटीज में से एक क्वालिटी को मेरे अंदर। जैसे आप कहते हैं सूरज, एक शख्स के अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं जो उसको उसकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं सूरज के साथ। सूरज की रोशनी की बुनियाद पे फसलें उगती हैं, जिंदगी का जो पूरी दुनिया में अर्थ प्लैनेट पे निजाम है ये चलता है। मेरे होने से घर का निजाम चलता है, ऑफिस का निजाम चलता है, मेरे मुआशरे में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी का निजाम चलाने में मैं हेल्प करता हूँ, चला तो अल्लाह ताला रहा है, बट हम अपनी कैपेसिटी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक शख्स कहता है मैं दरख्त की मुनासिबत से उसकी क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करता हूँ, साया देता हूँ अपनी फैमिली को, बच्चों को, बहन भाइयों को, छोटे सब लोगों के लिए मैं फादर फिगर हूं, साया देता हूँ। दरख्त पे फल लगता है और लोग खाते हैं, कोई पैसे नहीं लेते, तो अपने बच्चों के लिए खाने पीने की सारी चीजों का इंतजाम मैं करता हूं। दरख्त पे घर बनाते हैं परिंदे, तो मैं वो शख्स हूं जो अपने जूनियर जो मुझसे कम एज में है उनके लिए, या इवन एज में ज्यादा लोग भी हैं उनके लिए भी रहने उठने बैठने की सारी अरेंजमेंट्स करता हूं घर की शक्ल में। वो कहते ना कि अ होम इज वेयर यू फील सेफ। मेरे पास जो शख्स आ जाता है मेरी फैमिली समझती है जब तक मैं घर पे हूं। जैसे हम क्यों कहते हैं कि फादर का, वालिद का साया कायम रहना चाहिए फैमिली के ऊपर। दरख्त की क्वालिटीज को अगर हम कंपेयर करें हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हमारी तो अगर देखा जाए तो जो जो लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है वो किसी और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। हम दरख्त नहीं हैं,
कि एक जगह खड़े रहें, मूव ना कर सके। हम ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है जो अपनी मौजूदा क्वालिटीज को ना बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। हम में तो ये भी सलाहियत है खुदा ने दी। तो इसलिए आप और हम अपने आप को अपनी पर्सनालिटी से बाहर निकल के भी देखें, सोचें क्या इम्प्रूव हो सकता है, क्या कमी है, क्या कैपेबिलिटीज होने के बावजूद हम वो यूटिलाइज नहीं कर रहे, पोटेंशियल क्यों हम अपना अनयूज्ड लेके दुनिया से चले जाएंगे। ये सारी बातें सोचना, इस पे पॉन्डर करना, इस पे सेल्फ कथारसिस करना हमारे लिए और हमारे साथ रहने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एक नया पर्सपेक्टिव आपको देने की कोशिश की। आई होप आपके लिए ये वीडियो रहनुमाई का बायस बनेगी। बहुत शुक्रिया आपका।